हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन के एक्सरसाइज 3.3 विच इज बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित इस प्रश्नावली के एक्सरसाइज 3.3 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए। देखिए स्टूडेंट, रैखिक समीकरण जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन जो होती है, उनको सॉल्व करने की तीन मैथड है, आपको थ्री मैथड है। एक तो आपका स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है क्या है, प्रतिस्थापन, कौन सा है प्रतिस्थापन मेथड है आपका। एक स्टूडेंट आपका है क्या, विलोपन, जो आप आगे पढ़ेंगे। और एक स्टूडेंट थर्ड क्या आपका, वज्रगुणन, कौन सा है, वज्रगुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट तीन मैथड आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला इस क्वेश्चन में 3.3 एक्सरसाइज में दिया गया पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण को सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन आपको दो दिए गए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई, कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरे अन्य किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसके प्लेस पर स्थापित कर देते हैं। देखिए कैसे आप समझते हैं, एग्जांपल से, समीकरण नंबर एक से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको साइड चेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस का वाई। अब ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट, कौन सा आपका थर्ड। अब ये जो एक्स की वैल्यू है, जहां से निकाली उस पर नहीं, किसी सेकेंड इक्वेशन में, यानी जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी गई उसमें आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको प्रतिस्थापित करिए। समीकरण नंबर तीन में हम एक्स के प्लेस पर रख दे रहे हैं 14 माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 5 मिलती है। अब जो वाई की वैल्यू जी आई हुई है, इसको जो इक्वेशन थर्ड बना हुआ था उसमें आप इसको पुट कर देंगे जाकर के। जैसे आप पुट करते हैं वाई की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, 9 मिलती है। तो ये आप जो इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप इट्स क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टूडेंट क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं, कितनी, 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर थर्ड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे, वैल्यू निकालने के बाद में इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में, थर्ड से थर्ड समीकरण, थर्ड का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, समीकरण नंबर दो था यहाँ पर, एस के प्लेस पर 3 प्लस टी पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 की वैल्यू क्या कितनी मिलती है, टी की वैल्यू आपको 6 मिलती है। अब जो टी की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड में प्लेस कर देंगे जाकर, पुट कर देंगे जाकर, तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 9। ये आपके दो सॉल्यूशन हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर से दिया हुआ ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू निकालते हैं 3x-3, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं जाकर के, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ कट जाता है, आपको 0 = 0 मिल जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सत्य है, अतः रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं आगे की ओर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ डेसिमल, 0.2x प्लस 0.3y = 1.3 एंड दिस इज इक्वेशन। फिर से वही स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे, इसको साइड चेंज करेंगे तो 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट कर दीजिए, सेकंड में y के प्लेस पे, यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू निकाली, आप x y किसी की एक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आप थर्ड में जाते हैं, थर्ड से y की वैल्यू सेकंड में रखते हैं तो 0.4x एज इट इज रहेगा, 0.5y, 0.5 इंटू वाई, वाई के प्लेस पर वाई की जो वैल्यू वो आपने पुट की, इक्वल टू कितना दिया, 2.3। अब देखिए स्टूडेंट टेकिंग एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो 0.3 का मल्टीप्लाई इससे होगा 0.12x, और इससे भी हो जाएगा, इधर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे। जैसे करेंगे आप, देखिए साइड चेंज करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 2 मिलती है। ये जो एक्स की वैल्यू मिली है इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, जैसे आप पुट करते हैं तो आपको वाई की वैल्यू कितनी मिलती है, 3। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। ये रूट में क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए रूट 2x प्लस ना, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखिए वैल्यू निकालेंगे, रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, इसको इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। देखिए स्टूडेंट इक्वेशन थर्ड में इसको रखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए प्लेस पे जैसे रखते जाकर तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो y की वैल्यू वहां रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स ये भी एक क्वेश्चन दिया गया, इसको आप स्वयं करिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x-4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करता हो। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका प्रतिस्थापन विधि जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है। कैसे कर देंगे, इक्वेशन एक इक्वेशन से आप सेकंड से भी निकाल सकते थे स्टूडेंट, आप मैं यहां से फर्स्ट से निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट से y की वैल्यू निकालें या x से किसी एक की वैल्यू निकाल करके उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
जो भी वैल्यू आप किया निकल सकते हैं उसको स्टूडेंट हम लोग इसमें पुट करेंगे। जैसे ही पुट करते हैं स्टूडेंट, देखिए आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है माइनस का 2 और वाई की वैल्यू क्या मिल जाती है 5 मिल जाती है। और इन दोनों को उठाकर जो आपको इक्वेशन दिया गया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर दीजिए, आपको अपने आप ही एम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी -1। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखिए स्टूडेंट कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का अंतर दिया है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर संख्याएं याद करनी है, तो हमने एक संख्या को एक्स माना हुआ, दूसरी संख्या क्या मान लिया वाई माना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि दो संख्याओं का अंतर 26 हो, यानी x माइनस वाई इसको 26 उन्होंने सेकंड माना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक संख्या दूसरी की तुगनी यानी x इज इक्वल टू वाई इंटू 3 या x इज इक्वल टू 3y, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक से आपको क्या प्रतिस्थापन से आपको करना है, तो यानी एक से आप वैल्यू निकालिए किसी भी इक्वेशन से। मैंने यहां से x इज इक्वल टू 3y वैल्यू दी हुई, डायरेक्ट यहां पर उठा करके इसको यहां रख देते हैं। जैसे आप रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको 13, वाई की जैसे मिलती है वाई को उठा करके आप फर्स्ट में रख दीजिए। जैसे आप वाई को फर्स्ट में रखते हैं स्टूडेंट तो आपको मिलती है संख्या कितनी 39, तो यानी x इज इक्वल टू 39। देखिए एक 13 है, एक थर्ड उसके 3 टाइम्स 13 3 39, और उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। आई होप इट्स क्लियर। आगे दिया हुआ दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, देखिए उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उनको संपूरक बोलते हैं। इसी प्रकार से कोटिपूरक क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उनको कोटिपूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिसीजो सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए स्टूडेंट तो हम लोगों ने बड़ा कोण छोटे कोण की बात करी, तो बड़े कोण को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, छोटे कोण को क्या एक्स डिग्री और छोटे कोण को क्या माने रहे हैं वाई डिग्री माने ले रहे हैं। प्रश्नानुसार एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से, जो बड़ा कोण एक्स है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो +18 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण संपूरक है स्टूडेंट, हमें पहले बता दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण के लिए क्या होती है, बताया था कि दो संपूरक कोणों के लिए क्या होता है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो एक्स एक पहला एंगल, बड़ा कोण छोटा कोण दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहां से देखिए डायरेक्ट वैल्यू आपकी निकली हुई है, ये उठा करके आप यहां पुट कर दीजिए, इसको बोलते हैं रिप्लेस करना, एक्स के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। जैसे रिप्लेस करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको, यहाँ पर देखिए 2 8 16 है 2 2, वाई की वैल्यू कितनी मिलती है आपको 81 मिलती है, वाई की वैल्यू 81 मिलती है, आप इसको यहाँ पुट करिए आकर के, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 99 मिल जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 के 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल ज्ञात कीजिए। देखते हैं तो किस टाइप से इसको करेंगे, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि हम लोग एक बल्ले का मूल क्या और एक गेंद का मूल क्या, तो एक बल्ले का मूल हमने एक्स वाई एक्स रुपीज लेट किया और एक गेंद का मूल क्या लेट किया वाई रुपीज। पहली कंडीशन थी कि 7 बल्ले तो यानी कि 7x और 6 गेंदे तो प्लस का 6y इज इक्वल टू कितना था 3800 3800 रुपए। तो यहां से स्टूडेंट आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 3800, ये हो जाएगा -6y और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल के 7। ये क्वेश्चन नंबर आपका बन जाए क्या फर्स्ट। सेकंड कंडीशन थी कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल कितना 1750 रुपए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां से जो एक्स की वैल्यू आई हुई उसको सेकंड में आप पुट कर दीजिए, वैसे आप इसको क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट मानिए और इसको मानिए क्या थर्ड, थर्ड से वैल्यू निकाल करके आप यहां पर पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एलसीएम लेकर के। जब सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको 50 मिल जाती है, वाई की वैल्यू जो निकल के आती है उसको फिर से थर्ड में आप पुट कर दीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यानी एक बल्ले का जो मूल्य मिलता है वो 500 रुपए और एक गेंद का मूल कितना मिलता है 50 रुपए। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है स्टूडेंट। आगे देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ इसमें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया, अतिरिक्त भाड़ा एक उसका प्रॉपर टैक्स तो जो है वो तो कंफर्म है, जो कांस्टेंट टैक्स आपका दिया गया निश्चित है, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त जो डिस्टेंस कवर करेगा एक्स्ट्रा दूरी उसके लिए वो भाड़ा अलग से करेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए पहले आप सब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए नियत भाड़ा हमने जो कांस्टेंट वो मान लिया एक्स जो हमेशा निश्चित रहेगा, और जो एक्स्ट्रा में आप चलेंगे उसके लिए आपको प्रति किलोमीटर कितना मिल जाएगा भाड़ा लगेगा आपका वाई रुपीज लगेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करिए, पहली शर्त जी की फर्स्ट कंडीशन जो आपको दी गई है, देखिए नियत भाड़ा कंफर्म हो गया एक्स, और इसके बाद में देखिए स्टूडेंट 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या वाई 10y और प्लस निश्चित किराया क्या था आपका एक्स, तो एक्स प्लस 10y मिला के टोटल आपको कितना लगा 105 रुपए। इसी प्रकार से स्टूडेंट देखिए आगे कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के लिए तो अलग से हो गया 15 किलोमीटर प्लस जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वाई, तो 15 × y प्लस नियत भाड़ा आपका फिर से जुड़ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना 155। इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब फिर से वही प्रतिस्थापन विधि, एक्स की वैल्यू जो है उठा करके यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली इन्होंने पहले से, देखिए एक्स 10y इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए इसके प्लेस पर। जैसे आप पुट करेंगे स्टूडेंट इसके प्लेस पर रखेंगे जा करके, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाती है। वाई की वैल्यू जैसे मिलती है तो जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली हुई थी वहां पुट कर दीजिए, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है कितनी 5। तो नियत जो भाड़ा आपको कितना वो 5 रुपीज है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 10 रुपीज है। अब उन्होंने पूछा था 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का 25 × y क्योंकि प्रति किलोमीटर वाई माना आपने, और प्लस जो कांस्टेंट टैक्स है वो जो श्योर लगेगा वो आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू रख देंगे 5 + 25 × 10, तो ये आपका 2255 रुपीज आपको लगेगा 25 किलोमीटर का किराया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है तो वह 5/6 होती है। भिन्न ज्ञात कर, देखिए भिन्न स्टूडेंट कैसे बनते हैं, आपको अंश और हर मालूम होगा, क्योंकि भिन्न इक्वल टू होता है अंश बटे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इसका न्यूमरेटर यानी इसका अंश मान लेंगे एक्स, और डिनोमिनेटर इसका हर मान लेंगे क्या है, तो इसलिए आपकी जो परिमेय संख्या है जो आपकी भिन्न बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन थी कि यदि भिन्न भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो अंश एक्स में 2 जोड़ दिया गया, हर वाई में 2 जोड़ दिया गया, तो भिन्न आपकी क्या बनेगी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y − 4/11, ये आपका बन जाएगा प्रतिस्थापन के लिए। और सेकंड कंडीशन थी कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो आप देखिए x+3/y+3, अंश में 3 वाई हर में 3 जोड़ देंगे तो बन जाएगी भिन्न क्या 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन से जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली हुई थी वो उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स के प्लेस पर, तो क्या थी वैल्यू एक्स की 9y − 4/11, ये आप पुट करेंगे यहाँ पर आकर के। देखिए स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग एलसीएम सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको 9। जैसे वाई की 9 मिलती है आप फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जाकर, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। तो आपकी जो भिन्न बनती है अंश बटे हर यानी एक्स अपॉन वाई यानी कि 7/9। आई होप इट्स क्लियर, ये आपकी भिन्न तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन उल्लेख कर लिया है कि माना जैकब की वर्तमान आयु क्या एक्स वर्ष, उसके पुत्र की आयु क्या वाई वर्ष। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन बहुत अच्छे से मेंशन है, उसको लोग ध्यान से देखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x+5। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की भी आयु क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगा 5 साल, तो y+5। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 टाइम्स हो गई, 3 गुनी हो गई, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा 3y + 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पहले कम के लिए मिसे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x − 5, पुत्र की भी 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी y − 5। कंडीशन सेकंड देगी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व x − 5 जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 का गुणा कर दिया गया। आप इधर करें या इधर करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो शून्य कितना हो जाएगा x − 7 y = −30 साइड चेंज करने पर। अब जो एक्स की वैल्यू आपकी निकली हुई वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए एक्स के प्लेस पर। जैसे आप पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको 10 मिलती है, और वाई की वैल्यू 10 मिलती है उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे जाकर, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है, तो एक्स वैल्यू कितनी मिलती है आपको 4। तो जैकब की आयु कितनी आती है 40 ईयर्स, और उसके पुत्र की आयु कितनी आती है स्टूडेंट आपकी 10 ईयर्स। आई होप इसको आप अच्छे समझे होंगे। थैंक यू सो मच।